बेबीज़ किचन। आज जो हमारे किचन में डिश बन रही है उसका नाम है स्टू। स्टू में ज़्यादातर सारे मसाले खड़े डलते हैं जो कि साबुत होते हैं और ये बहुत मज़ेदार बनता है। बकरीद के दिनों में हम लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वक्त की कमी के साथ अच्छी डिशें बना सकें, जो हम सारे मसाले डाल के उसके अंदर रख देते हैं और फिर एक साथ उसको भुनाई करते हैं तो ये बहुत मज़ेदार बन जाता है। चलो यहाँ पे मैंने बीफ का गोश्त लिया है जो कि सीने का होता है। अगर आप हड्डी वाले इस गोश्त में बनाएं तो इसको बहुत मज़ेदार बनता है। यहाँ पे मैंने लिए काली मिर्चें, लौंगें, ज़ीरा, दालचीनी और थोड़ी सी साबुत गोल मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, हसबे ज़ायका नमक, 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने इस तरह से स्लाइस में काट लिया है। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लेके मैंने उसे जूनियर कट में काट लिया। 10 से 12 जड़े लहसुन के स्लाइस में काट लिए। 2 बड़े टमाटर को मैंने क्रश करके रख लिया। अब हम एक पतीली में ऑयल गर्म करके उसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि उसका कलर चेंज ना हो। देखिए हमारे प्याज का कलर चेंज हो गया, ये ट्रांसपेरेंट कलर की हो गई है। अब इसके अंदर हम गोश्त शामिल करेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। प्याज में गोश्त को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसमें लहसुन शामिल करूंगी, अदरक डाल के मैं उसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी ताकि लहसुन और अदरक की स्मेल अच्छी तरह से गोश्त में आ जाए। लहसुन अदरक डाल के मैं उसको भी अच्छी तरह से भूनने के बाद बाकी के मसाले शामिल करूंगी इसमें और फिर थोड़ा सा उसको दोबारा भूनूंगी ताकि मसाले अच्छी तरह गोश्त के साथ मिक्स हो जाएं। सारे मसालों को गोश्त के साथ मैंने यहाँ पे 5 मिनट अच्छी तरह भूना है। अब मैं इसके अंदर गोश्त गलने का पानी डालूंगी और फिर हल्की आँच के ऊपर उसको रखूंगी। आधे घंटे बाद चेक कर रहे हैं कि गोश्त का पानी अच्छी तरह खुश्क हो गया है। अब हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे, गोश्त में अभी हमारी थोड़ी सी कसर है। हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि प्याज अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। प्याज हमारी अच्छी तरह से घुल गई है। अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूंगी और उसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। टमाटर शामिल करने के बाद हम उसमें थोड़ा सा पानी डाल के रखेंगे ताकि जो गोश्त में हमारी थोड़ी सी कसर थी वो पूरी हो जाए। 10 से 15 मिनट हमें इसे और पकाना है। देखें 10 मिनट हो गए, गोश्त अच्छी तरह हमारा गल गया। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा दही शामिल करेंगे। दही डाल के हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। जितनी अच्छी हम भुनाई करते हैं मसालों का फ्लेवर उतना ही अच्छा खुलकर आता है, जो खाने में बहुत मज़ा पैदा करता है। अब हम इसे अच्छी तरह भूनेंगे। देखिए ऑयल हमारा सेपरेट होता जा रहा है, कितना प्यारा और कितना अच्छा कलरफुल हमारा सालन लग रहा है। देखिए कितना अच्छा सालन हमारा भून गया है, ऑयल भी सारा अलग हो गया। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। बकरीद पे ज़्यादातर लोग भुने हुए सालन पसंद करते हैं। उसमें अगर आप ये बनाएंगे अपने घर वालों को खिलाएंगे तो सबको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।